एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? सो ये नेक्स्ट डे है करवा चौथ का, उस दिन का मैं ये व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। कल मतलब कितना अच्छे से मतलब मेक वो किया, मैंने मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं किया। फर्स्ट टाइम हुआ है करवा चौथ पे कि मैंने नाम के लिए फाउंडेशन, आई मेकअप कुछ भी नहीं किया, काजल तक नहीं लगाया मैंने, पता नहीं क्यों। देखते हैं दिवाली पर क्या करती हूँ। बाकी आप लोगों की करवा चौथ कैसी रहेगी? मेरी अच्छी थी, बट ये है कि सही में यार ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना मैं अपनी खुद की पिक लेना भूल गई। लेकिन अब मैं जो वीडियोस बनाई ना उसमें स्क्रीनशॉट लूँगी, जो कोई अच्छा पोज अगर उसमें निकल रहा होगा। बाकी मतलब कैसे भूल गई, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं करवा चौथ की कपल पिक नहीं ले पाई यार। चलिए कोई बात नहीं, दिवाली पे कमी पूरी कर लेंगे इस चीज़ की हम। और अभी जो कल मैंने ड्रेसेस वगैरह पहनी है उनको सबको मैंने रात को ऐसे ही फैला के रख दिया था, अब उसको एयर ड्राई कर दिया है क्योंकि थोड़ी स्वेटिंग वगैरह तो हो जाती है। इतनी गर्मी नहीं थी पर फिर भी फैला के रख देते ना तो ठीक रहता है। देखो और मैंने अपने रखे हुए हैं कपड़े, ये मेरा लहंगा, ब्लाउज़, चुन्नी और ये मैंने जो सूट पहना था ये वो है। तो अभी सबको मैं फोल्ड करके अच्छे से, और ये मेरी शादी की चुनरी, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ रात में पूजा के टाइम। दिवाली की तैयारी मेरी शुरू हो जाएंगी। दिवाली में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, अब मुझे करना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। और जो मेरी थोड़ी बहुत सफाई भी रह गई है वो भी मुझे करनी है। आप कहेंगे सफाई भी रह गई है? हाँ यार रह गई है, मैं डीप क्लीनिंग की तो बात कर ही नहीं कि हर एक कवर्ड निकाल के, मैं वो चीज़ तो कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो चीज़ तो मेरी टाइम टू टाइम होती ही रहती है ईयर में। ये नहीं होता है मेरा कि मेरे को ये कवर्ड दिवाली पर ही साफ़ करनी है, ड्रेसिंग टेबल मुझे दिवाली पर ही साफ़ करना है, ऐसा नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। सो यहाँ पे मैं अपने जो भी मेरी ड्रेसेस कल यूज़ हुई थी उनको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ अच्छे से। ये साल में एक ही बार निकलती है मेरी ये शादी की चुन्नी है, मुझे बहुत पसंद है ये, तो मैं ये करवा चौथ के टाइम हमेशा इसको ही डालती हूँ। और इसमें जो ये लटकन लगी हुई है ना, इनको मैं हमेशा मैं टिश्यू से रैप करके रखती हूँ, इससे ना ये काले नहीं पड़ते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी लटकन न्यू जैसी लगती है। तो ये मैं हर एक ड्रेस में जिसमें भी लटकन ऐसी लगी हुई होती है उसमें मैं करती हूँ। और इसको फिर मैंने इसके जो भी इसका बैग था उसके साथ रख दिया, ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं इसी के साथ मेरा गठजोड़ा हुआ था। सो ये बहुत प्यारी मेमोरीज होती है ना अपनी शादी की। और फिर इसके बाद मैंने जो लहंगा पहना था ये उसकी चुन्नी है, ये पूरा गोटा पट्टी का काम हुआ हुआ है इसमें, और कुछ कपड़ा मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते, थोड़ा सिल्क टाइप का कपड़ा है लाइट वेट में, और बंदेज में दुपट्टा है, गोटा पट्टी का काम है इसके ऊपर। सो इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि अगर चीज़ों को हम केयर करके नहीं रखेंगे ना तो फिर वो चीज़ें अच्छे लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती हैं। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी अच्छी ड्रेसेस वगैरह उसको आप अच्छे से केयर के साथ रखें। के साथ मैंने ये वाली लटकन ली थी जो आजकल चल रही है ना, तो इसको भी मैंने, इसमें भी थोड़ा बहुत पर्ल्स वगैरह थे गोल्डन कलर के, तो मैंने कहा इसको भी रैप कर देते हैं, तो इसको भी मैंने ऐसे रैप कर दिया है। जब भी ज़रूरत पड़े ड्रेस की निकालो तो ये निकालने पड़ेंगे, अपनी चीज़ों को थोड़ा नया रखना है, अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती है टाइम के साथ और फिर बाद में रिग्रेट नहीं रहता है इस चीज़ का फिर कि हम काश पहले कर लेते। और फिर यहाँ पे मैंने जो डे टाइम पे जो सूट डाला था उसकी पैंट है और ये इसका कुर्ता है, इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी, बट इसमें कुछ ऐसा टैसल्स वगैरह का काम नहीं था, इसमें मैंने हैंडमेड लटकन ही बनवाई थी, तो इसको तो बस ऐसे ही फोल्ड करके इसके बैग में रख देंगे। सो ये मेरे लहंगे का बैग है, इसमें मैं रखती हूँ, मतलब जो भी मेरी ड्रेसेस होती हैं साड़ी होती है सबके मैंने ऐसे कवर ले रखे हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसी में रखने की क्योंकि कोई भी चीज़ निकालो तो मेरी कबर्ड भी मैसी नहीं होती है। बट मुझे अपनी कबर्ड फिर भी ठीक करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरी कबर्ड मांग रही है कि हाँ मुझे अब ठीक करो। और इसमें मैं ये रख दूँगी अपना सूट क्योंकि मेरी कबर्ड जो है जिसमें मेरी ड्रेसेस और साड़ीज़ रहती हैं वो रूम में नहीं रखती हूँ, साइड में जो रूम है उसमें रहता है सारा सामान। और ये मैंने पैक कर दी हैं सारी ड्रेसेस, अब मैं इनको अपनी जगह पर रख दूँगी।
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. So, जो भी मैंने सारे कपड़े कल यूज़ किए थे फेस्टिवल में, वो सारे मैंने पैक करके अपनी जगह पर रख दिए हैं. और अगर हम साथ के साथ ऐसे रखते जाएंगे तो हमारा काम नहीं फैलेगा, नहीं तो फिर वो पड़ता रहता है और ऐसी कबर्ड में ठूसते जाएंगे ना, एक बार आके कबर्ड ऐसे लगे कि हमारे सामान ही हमें नहीं मिलेगा. तो कोशिश करना ही चाहिए कि आप पार्टी से आएँ, किसी भी वेडिंग से आएँ या फिर कहीं से भी आएँ, जैसे आप पहले रखते थे, जैसे वो कपड़ा पहले रखा हुआ था उसी तरह से आप उसको रखें और अपनी जगह पर रखें. उसकी जगह भी चेंज करेंगे ना तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सो अब तो दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है, तो अब करवा चौथ के बाद मेरी तैयारी शुरू हो जाती है दिवाली की. तो ये उर्ली मैंने ली थी मार्केट से, इसको मैंने पेंट कर दिया गोल्डन कलर से, जैसे मैंने थाली को किया था अपनी करवा चौथ की, वैसे ही स्प्रे पेंट से इसको पेंट किया. पहले इनर सर्फेस किया, फिर आउटर सर्फेस मैं पेंट कर रही हूँ. इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया मैंने, और गोल्डन कलर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. वैसे मैंने दो तीन कलर्स लिए थे लेकिन सबसे ज़्यादा खेल के जो आ रहा था ना वो गोल्डन कलर ही आ रहा था. फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया. मीनवाइल मैं नीचे गई अपनी बेटी को देखने, तो उसकी हरकतें आप देखिए. अब माँ कंचन, अरे ना ना, अरे ओ पैसे दे दो, मम्मा को पैसे दे दो, दे दो, थैंक यू. और दोगे ला दे दो, थैंक यू. आओ पैडल पे पुश करो यहाँ पे. हाँ वेरी गुड, ये आपको तो आ गई चलाने. बाबा जैसे कि अभी लवी ने बोला कि बाबा आ गए हैं, मतलब उसके दादू आए थे तो वो लेके आए थे दिवाली गिफ्ट ही कह लीजिए. अब तो दिवाली आ ही गई है. तो हमारे घर में मिक्सी ग्राइंडर जो था वो ख़राब हो गई थी, तो वो लेके आए हैं मिक्सी ग्राइंडर हमारे लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है किचन में, ये ना हो तो फिर काम कैसे होगा. तो वही चीज़ है, हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे मम्मा और मेरी बेटी. मतलब मेरी बेटी को तो कोई भी न्यू चीज़ ले आओ उसको तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि भाई क्या है इसमें, क्या है. अपने कपड़ों को देख के भी इतना खुश होती है, उसके काम की कोई चीज़ इतनी खुश हो रही थी. फिर उसको तो अपने खेलने का आइटम मिल गया, वो चले गई देखने. तो ये है हमारी सुजाता की मिक्सर ग्राइंडर, ये काफ़ी नाम है इसका, ऐसा पापा बोलते हैं. मुझे नहीं पता क्योंकि आजकल की जनरेशन को शायद ना पता हो सुजाता नाम का, बट सुजाता ब्रांड अच्छा है. मैंने भी ऑनलाइन देखा, अब तो ऐड भी आने लग गई है इसकी. तो इसमें तीन जार आपको मिल जाते हैं, सबसे छोटा जार है, फिर मिडल और सबसे बड़ा. और जो दो पहले दो हैं वो दोनों स्टील के हैं, और जो लास्ट वाला है वो शायद प्लास्टिक होगा या आई डोंट नो क्या एक्चुअल मटेरियल होगा उसका. वो ट्रांसपेरेंट है पर ग्लास तो नहीं है, वो इतना मैं श्योर हूँ. और इसमें जो ब्लेड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, तीनों में अलग हैं. सबसे छोटे वाले में आपको 4 ब्लेड्स मिल जाते हैं, और फिर सेकंड वाले में आपको 2 ब्लेड्स मिलेंगे, और थर्ड वाले जार में भी 4 ब्लेड्स मिल जाते हैं. और ये है हमारी मिक्सी. और मैंने इसको उठा के देखा यार, लिटरली बहुत हैवी थी वो, और मुझे क्वालिटी वगैरह सब अच्छा लगा. वैसे जो पापा लोग लेके आते हैं घर में चीज़ें वो अच्छी ही होती हैं. और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए. वैसे हम लोग गए तो थे, मैं कुछ और लेने गई थी लेकिन मुझे दिवाली से रिलेटेड भी कुछ आइटम्स दिखे तो मैंने वो भी लिया. तो ये दोनों पापा बेटी चल रहे हैं. जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मैं इसको तो अपने पापा के पास छोड़ देती हूँ, फिर मैं अपना आराम से शॉपिंग करती हूँ. फिर मुझे रास्ते में दिखी ये लटकन और तोरण वाले भैया, जिससे मैंने ये येलो वाली सबसे ज़्यादा मुझे पहले ही पसंद आ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत टाइम लगाया, सारी पहले एक बार देख ली उसके बाद मैंने लास्ट में येलो वाली ही. ये टेसल्स वाली भी थी बट जो फर्स्ट वाली दिखाई थी ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और ये चकली वाली भी थी. बट फिर मैंने देखे इसमें थोड़े थोड़े जो साइड्स में लगाते हैं ना गेट्स के, तो वो भी थे लटकाने वाले, तो मैंने वो भी दो लिए. तो पहले यही होता है हम लेडीज़ का, शायद आप लोग भी करते होंगे कि पहले सारा देख लें उसके बाद कि इससे अच्छी और तो कोई नहीं है, तो वही मेरे साथ होता है. तो मैंने वो दोनों चीज़ ली, उसके बाद मैं गई थी स्टेशनरी शॉप कुछ और स्प्रे पेंट्स वगैरह और कुछ स्टिकर्स वगैरह लेने के लिए. अगर आप लोगों ने मेरा थाली वाला लिखा होगा तो उसमें मैंने कुछ स्टिकर्स यूज़ किए थे, तो
वो काम आ जाते हैं यार डेकोरेशन में, क्योंकि मैंने वो करवा चौथ में यूज़ कर लिए थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे लगा कि दिए वगैरह में उरली वगैरह में चाहिए होगा, तो मुझे इसलिए मैं बार बार तो आया नहीं जाएगा, वैसे भी मार्केट में बहुत रश हो जाता है दिवाली के टाइम पे, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो मैंने स्प्रे पेंट्स लिए, कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स लिए, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी उरली सूख गई है, तो ये जो स्टिकर्स देख रहे हैं ना ये मैंने लगा दिया बस थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ। सो यहाँ पे मेरा दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, मुझे ये सारे अब पेंट करने हैं, कुछ भी इनको नया लुक देना है, सोच रही हूँ उसको कुछ ऐसा करने का, देखते हैं अभी क्या होता है। तो मैंने ये पुट्टी पड़ी थी, मैं इसी से इसको पेस्ट करने वाली हूँ। सारा डेकोरेशन का सामान है यहाँ, मैंने सारा डेकोर आइटम्स लगा के रखा हुआ है, ये तो मैंने न्यू परचेज किया, इसको रखने की मुझे जगह नहीं मिली अभी। और ये सारा जितना भी देख रहे हैं ये सारा मेरा पुराना आइटम है, इस बॉक्स के अंदर भी पुराना है, तो उसको देखती हूँ। और यहाँ पे भी पॉलिथीन में पुराना पड़ा है, तो कैसे रिन्यू करना है वो मुझे अभी नहीं पता। तो ये मेरा वर्किंग स्टेशन है यहाँ पे दिवाली के लिए, जब तक दिवाली नहीं आती है मेरे पास 1 वीक का टाइम है, और मुझे सारा काम निपटाना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। करवा चौथ से रिलेटेड जो भी मेरी थाली वगैरह थी वो मैंने सब पैक करके रख दी है अंदर, नेक्स्ट ईयर में मैं उसको यूज़ करूँगी। बाकी सब चीज़ें करने में मुझे टाइम लगेगा, और क्लीनिंग का जो भी मेरा काम बचा है वो सुबह होगा, और दिन में मैं ये काम करूँगी। लेट्स सी हाउ विल आई मैनेज, कैसे करती हूँ क्या करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, छोटा सा था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।